अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहल और मेरे किचन यानी कि किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं गाजर के अचार की रेसिपी। सर्दियों के सीजन में क्या होता है ना कि गाजर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उससे हम वैसे भी अलग अलग रेसिपी ट्राई करते हैं। तो इस सर्दियों में आप इस गाजर के अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार और बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी के लिए। गाजर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे और इस पर एक कुकिंग पैन या कढ़ाई चढ़ा दें। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच मेथी दाना और एक छोटा चम्मच राई या सरसों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एरोमेटिक होने तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये मेथी दाना और राई थोड़ी एरोमेटिक हो जाए, इसे हम एक खलबत्ते में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये निकाल लिया है मैंने। हम जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं ना चाय बनाते समय, उसी खलबत्ते में हमें इसका एक कोर्सली ग्राइंड किया हुआ पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडिंग जार में भी इसका पाउडर बना सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने गैस में सेम कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें दो छोटे चम्मच तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच अदरक डाल देंगे, जिसे मैंने इस तरह से पतले और लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक को बारीक भी कट कर सकते हैं। यहीं पे डाल देंगे गाजर, जिसे मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये 250 ग्राम गाजर है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 गाजर का इस्तेमाल किया था, जिसका मैंने व्हाइट पोर्शन निकाल लिया है। इसका सिर्फ रेड पोर्शन ही इस्तेमाल करना है हमें अचार के लिए। इसे हम 1 मिनट के लिए तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ढक्कन रख के इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन हटाया और हमारे जो गाजर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं अब। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये गाजर निकाल लिया है मैंने। अब हम इसे बाजू में रख देंगे और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस भी हम ये सेम कढ़ाई में ही करेंगे। तो कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देंगे 1/3 छोटे चम्मच राई, 1/2 छोटे चम्मच हींग डाल दें यहाँ पे, और यहीं पे डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है और ये जो कूटा हुआ हमने जो राई और मेथी का पाउडर बना के रखा था ना, उसे भी इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला दें। याद रहे, यहाँ पे मसाले डालते समय आप गैस का फ्लेम लो रखें। अगर आप तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। बस 1/2 मिनट के लिए हम तेल में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ ज़्यादा देर तक हमें इसे मसालों को मिक्स नहीं करना है और यहाँ पे ये गाजर डाल देंगे। तो ये जो हमने गाजर को फ्राई करके रखा था ना, वो गाजर को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। मिला दें यहाँ पे इसे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे ये गाजर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/2 छोटे चम्मच के करीब नमक का इस्तेमाल किया है। आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये जो मैं नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बड़ा साइज़ में है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 1.5 या 2 नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका नींबू छोटा है तो। यहीं पर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर। तो यहाँ पर ये व्हाइट विनेगर डाल दिया है मैंने। और यहीं पर डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच के करीब गुड़ का इस्तेमाल किया है। मिला दें यहाँ पे इसे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने अचार में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है और यहाँ पे हमने विनेगर का भी इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे अचार के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा अचार बनके तैयार है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अचार को पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। जैसे ही अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाए, इसे आप किसी कांच के जार में या फिर एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दें। अगर आपको अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो आप इसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। ये 6-7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस गाजर को धोने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से ड्राई करके ही यहाँ पे यूज़ करना है। अगर गाजर में थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, हमारा बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी गाजर का अचार यहाँ पे बनके तैयार है। तो आप इस गाजर के अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए।